तो 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो हमारा पानी था जर्नी थी वो हम ऐड कर देंगे। जी आप देख रहे हैं रूबी HD, ठीक है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त का सालन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और चलते हैं वीडियो की तरफ और मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त, आलू गोश्त, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है, ठीक है। तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया गोश्त को, मैंने पहले बॉयल कर लिया था। बिना टाइम ज़ाया किए हम तैयार करेंगे। ऑयल मैंने ऐड कर दिया, अब मैं उसका जो मसाला है वो ऐड कर दूँगी। गोश्त मैंने बकरे का लिया है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने उससे पहले बॉयल कर लिया था अच्छे तरीके से। तो प्याज ऐड कर दूँगी मैं, एक बड़े साइज़ का मैंने ये प्याज लिया। तो प्याज को अच्छे तरीके से मैं हल्का हल्का ब्राउन कर लूँगी। तो प्याज को हल्का हल्का, प्याज अब ब्राउन हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। टमाटर अब मैं ब्री ब्री करके ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो हमने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया। अब फिर से हम दोबारा से इसे भून लेंगे टमाटर के साथ, और टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। इसके अंदर जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे, अदरक उसका भी हमने पेस्ट ऐड कर दिया 1 चम्मच। तो फिर से हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद मसाले जो है वो हम ऐड करेंगे। तो हाँ जी, अच्छे तरीके से ये हो चुका है, ठीक है। मसाले ऐड कर दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1/2 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के, पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से भून लेंगे। तुम्हारे पास जो हमने गोश्त बॉईल किया था उसका पानी है वो ही हम ऐड करेंगे। तो मसाले के अंदर अभी भी वो ही ऐड करूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा सा करके। मसाला नीचे से जले ना। तो हाँ जी, मसाला भूनते हुए हम 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे, भून लेंगे इसे। तो हाँ जी, अब हम गोश्त ऐड कर देंगे, और गोश्त के साथ मैंने बड़ी इलायची 2 ऐड कर दी थी, ठीक है। तो कड़ी पत्ता था और मसाला था, थोड़ा सा काली मिर्च के 10 से 15 दाने मैंने काली मिर्च के ऐड कर दिए थे। तो दालचीनी का 1 टुकड़ा मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। तो फिर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, तो उसके बाद मैंने ये इसे बॉईल कर लिया था, ठीक है। तो लौंग थे, सब चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया स्मेल वगैरह ख़त्म करने के लिए।
तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी गोश्त को ऐड करके। मिक्स कर दूंगी। तो हाँ जी, इसकी बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी दही ऐड कर दूंगी। फिर इसे दोबारा से मैं भून लूँगी 5 मिनट तक। फिर से इसे भून लूँगी मैं। तो इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी अब। तो अब मैं इसे चेक करूँगी। तो अच्छे तरीके से दही हमारी जो मिक्स हो चुकी है और मसाला भी तैयार हो चुका है। मैं इसके अंदर कर दूंगी आलू ऐड, जो मैंने कट कट के रखे हुए हैं। आलूओं को भी फिर हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से 5 मिनट तक आलू भून लूंगी मैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर जो हमारा पानी था जमी थी वो हम ऐड कर देंगे। ऊपर हम ढक्कन रख देंगे अब इसे 5 से 10 मिनट तक इसे पकने के लिए। तो बॉयल आ चुका है, तो मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। ठीक है, बीच में से कट करके हरा धनिया ऐड कर देंगे। नीचे से चूल्हे को ऑफ कर दूंगी मैं। तैयार हो गया हमारा सालन। हाँ जी, गरम मसाला जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। आलू हमारा जो आलू गोश्त का तैयार हो चुका है। तो हम ऐड कर देंगे मसाला। सही देखें, देखें। तो हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। इसके साथ ही ज़्यादा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।